लोग हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आपको अपनी बाइक का रिव्यू देने वाला हूं जो कि मेरे पास बाइक है बजाज की प्लेटिना। इसे 11 महीने हो चुके हैं, अगले महीने या जून में एक साल हो जाएगी। तो मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूँ। आप गाड़ी लेने से पहले अगर सोच रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, अगर प्लेटिना या कोई और भी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आप उसके बाद आप डिसाइड करना कौन सी सही है, कौन सी इस रेंज में कौन सी पसंद है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर ठोंक देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं जो इसके प्लेटिना गाड़ी के बारे में बता रिव्यू देने वाला हूँ, जो अच्छा है वो अच्छा बताऊँगा, जो गलत है वो गलत बताऊँगा मैं। तो ये है भाई बाइक मेरे पास, और ये 100 cc में है, BS6 है। तो सबसे दोस्तों बढ़िया चीज़ मुझे इस बाइक की लगती है प्लेटिना की, ये जो हैंडल है, इसका जो हैंड्स ग्रिप है ये वाली, ये यार मुझे बहुत बढ़िया लगती है। ये किसी भी बाइक में ऐसा नहीं आता हैंड ग्रिप इसकी, यार बहुत ही मतलब मज़ेदार एकदम फील होता है यहाँ पे, और थोड़ा अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो मुझे इसकी एक सबसे बढ़िया ये चीज़ लगती है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे इसकी जो सीट है, अभी इसके ऊपर सीट कवर चढ़ा हुआ है, जो इसकी सीट है यार वो बहुत ही लाजवाब है, आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मुझे इसकी सीट बहुत बढ़िया लगती है। तीसरी चीज़ दोस्तों मुझे ये लगती है इसके जो पेडल्स हैं यार, ये जो पेडल्स हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं। हमने इसमें क्या बढ़िया है, आप कोई भी अगर बैठता है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको देखो यहाँ पे रखने का स्पेस मिल जाता है, तो दिक्कत नहीं होती। हमने यार लुक वाइज भी एकदम मस्त है गाड़ी, आप देख सकते हैं दोस्तों इस गाड़ी का एक ये जो पास होता है ना लाइट का, ये वाला, ये यार मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है। ये HF डिलेक्स या स्प्लेंडर प्लस में नहीं आता है, ये आप यहीं मतलब पकड़े हैं और तुरंत यहाँ से दबा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस गाड़ी का, बाद में की लुक वाइज तो ये बढ़िया है ही गाड़ी। दूसरी बात इसमें दोस्तों DRL है, लैंप मिल जाती है ये वाली, जो कि आपकी गाड़ी जब चलती है तो ये ऑन हो जाती है, ये आपकी बंद रहती है मेन लाइट, और गाड़ियों में ऐसा नहीं होता है, जो गाड़ियां और हैं उसमें ये हेडलाइट जलती है। दोस्तों इसका जो ब्रेक वाला है, ये पीछे की ब्रेक वाला सिस्टम है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका, थोड़ा सा ये इसका साइज़ बड़ा है तो यहाँ पर पैर भी ठीक से आ जाता है, और ये रबड़िंग है तो फिसलती भी नहीं है, तो बहुत ये अच्छी तरीके से लग जाता है। दोस्तों गाड़ी में बस एक कमी हमें लगती है कि यहाँ पे यार जो एनालॉग मीटर है, यहाँ पे अगर डिजिटल मीटर अगर दे दिया जाता ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता भाई, तो ये मुझे एक कमी लग रही है इसमें। तो इस गाड़ी में जो प्लेटिना मेरे पास है, उस गाड़ी में हॉर्न की जरूर तकलीफ हुई थी मुझे, हॉर्न शुरू शुरू में इसका गड़बड़ कर रहा था, क्लिप हमने बार बार चेंज कराई थी, तो ये भाई ये थोड़ी हमें दिक्कत हुई थी। तो दोस्तों ये गाड़ी मैं आपको बताऊँ, रियली बताऊँगा जो मुझे पसंद है भाई, जब मैं इसे लेने गया था तो मैंने यार कोई बाइक ट्राई नहीं की, सीधे एजेंसी पर चला गया और यही उठा के ले आया, उस टाइम मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, बस मुझे पसंद थी ये गाड़ी, मैंने ले ली। अब दोस्तों जब मैं यूज कर रहा हूँ मैं इसे, तो यूज करने में यार अगर आप वैसे यूज़ तो मैंने ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे नहीं किया है, इसे लोकल में चलाता रहता हूँ, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ज़्यादा, कभी कभार मैंने 200 किलोमीटर लास्ट चलाई हुई है, जो कि मैं अपने यहाँ से मथुरा के लिए गया था, 200 किलोमीटर पड़ता है एक साइड से वन साइड। तो दोस्तों मुझे यार बिल्कुल भी इस गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं होती, और मैं सच्ची बताऊँ मुझे 11 महीने हो गए इस गाड़ी में, तो अभी तक एक पैसा नहीं लगा है, मतलब जो सर्विस करानी पड़ती है, 3 सर्विस हो चुकी हैं, 10,000 किलोमीटर चला भी दी मैंने, तो सर्विस का ही पैसा लगता है। जो लास्ट सर्विस थी थर्ड सर्विस, उसमें ज़रूर 600 रुपये लग गया, उसमें क्या होता है ऑयल वगैरह पड़ता है, फिल्टर और ब्रेक शू वगैरह पड़ता, तो भाई 3 सर्विस का ही चार्ज लगा मेरे पे, वरना कोई भी पेमेंट हमने इस गाड़ी में नहीं लगाया अभी तक एकदम लाजवाब चल रही है गाड़ी। और दोस्तों जो और कंपनियां हैं, जैसे हीरो की गाड़ी ले लो, स्प्लेंडर प्लस या HF डिलेक्स, दोस्तों इसी रेंज में आती हैं वो भी, तो जितनी इसकी रेंज है उतनी ही उसकी रेंज है दोस्तों। तो वो गाड़ी हमें HF डिलेक्स में देखो क्या लगता है यार, HF डिलेक्स में एक तो वो उसकी सीट बहुत हार्ड होती है, और प्रॉपर मुझे यार चीज़ें अच्छी नहीं लगती उसकी, थोड़ी मुझे पसंद नहीं है, मतलब दमदार गाड़ी, दमदार क्या उसमें, मतलब दमदार क्या है, लोग कहते हैं यार मजबूत गाड़ी है, मुझे भाई बिल्कुल ही पर्सनली पसंद नहीं है वो गाड़ी। अगर आप गांव में एक से प्रॉपर गांव में रहते तो आपको गांव वाले उसे ज़्यादा पसंद करते हैं उस गाड़ी को। और स्प्लेंडर प्लस का दोस्तों मैं बताऊँ आपको, रियली वो भी मुझे पसंद नहीं है, क्यों नहीं, उस पर भी अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर उसे लेके जाते तो आपको तकलीफ हो सकती है, मतलब दिक्कत होती है उसमें चलाने में उसे, और छोटी गाड़ी है। और इसकी क्या दोस्तों, पहली बात एक खासियत है प्लेटिना की, इसकी सीट लंबी है तो आप आराम से बैठ भी सकते हैं और अपनी 3 सवारी भी बैठा सकते हैं इस पर, तो ये बेनिफिट है इसमें। और
दोस्तों मैंने HF डीलक्स भी निकाली थी इसके निकालने के 4-5 दिन बाद, तो यानी कि तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, उसकी यार जो मीटर चैन होती है वो तुरंत टूट गई, और उस गाड़ी में अभी तक मीटर चैन सक्सेसफुल नहीं है भाई, कई बार डलवा चुके हैं, उसमें अभी तक टूट जा रही है, मतलब अब मैं क्या कहूँ। और एक स्प्लेंडर प्लस भी थी मेरे दोस्त के पास, तो उसका यार जो सेलअप सिस्टम होता है वो उसका आते ही गाड़ी का ख़राब हो गया, फूक चुका वो भी, उसके में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी हैं। तो भाई हीरो का ना सिर्फ नाम बिकता है, अब उसमें गाड़ियों में देखो टी पॉइंट भी हटा दिया गया है, हीरो की गाड़ियों में डायरेक्ट कर दिया गया है, तो पर्सनली मुझे दोस्तों पसंद नहीं है। मुझे यार लुक वाइज भी और आरामदायक भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है प्लेटिना, अगर आप लोकल में और इधर उधर घूमना चाहते हैं तो यार एकदम बहुत बढ़िया गाड़ी है, एवरेज माइलेज के मामले में भी बढ़िया गाड़ी है। आप दोस्तों एवरेज की बात करें तो एवरेज इस गाड़ी का वैसे कंपनी तो ज़्यादा ही देती है, शायद 90-95 के आसपास देती है, तो मैं आपको एवरेज की बताऊँगा। देखो एवरेज भाई रोड के ऊपर है, रोड कैसा है, आप कैसे चलाते हैं, तो उस हिसाब से गाड़ी एवरेज देती है। तो आई थिंक मैंने भी ट्राई नहीं किया है क्योंकि मैं टंकी फुल कराता हूँ, तो इसका एवरेज जो है 70-75 के आसपास है, प्रॉपर है मैं आपको बताऊँ तो। भाई एवरेज के मामले में इस गाड़ी को कोई फेल नहीं कर सकता और कोई टक्कर भी नहीं दे सकता, जैसे HF डीलक्स होगी या स्प्लेंडर होगी। तो ये है, हाँ दोस्तों HF डीलक्स हीरो को लोग गांव के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो इस गाड़ी को दमदार समझते हैं, तो अच्छी बात है भाई, दमदार हैं वो, खेतों पे रौनते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये गाड़ी खेतों में नहीं चलेगी या गांव में नहीं चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलेगी, लेकिन उसका जो है नाम बिकता है सिर्फ, तो यही है भाई, अगर किसी का नाम उड़ जाता है तो नाम के ऊपर नाम चलता है फिर, चाहे वो कंपनी उसमें कम करती जाए या कुछ भी करती जाए। दोस्तों मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, और जो भाई है वो बता रहा हूँ, सिर्फ मुझे पर्सनली नहीं पसंद तो नहीं पसंद, और लोगों को पसंद तो ले लो आप, इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ना मुझे किसी ने पैसे दिए, मैं बस आपको अपना रिव्यू बता रहा था, जो कि बताना भी चाहिए रिव्यू आपको कैसी गाड़ी लगी, क्योंकि लोग जब लेने जाते हैं तो देख पूछते हैं, इधर उधर पूछते हैं कि भाई गाड़ी कौन सी लें, कैसी पसंद है, क्या क्या ठीक है। तो मैं आपको जो भाई इसे लेना पसंद करते हैं, बजाज की गाड़ी दोस्तों मुझे प्लेटिना और एक पल्सर, बस दो ही गाड़ियां मुझे अच्छी लगती हैं, जो डिस्कवर वाला मॉडल है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसमें दोस्तों अब दूसरी चीज़ दोस्तों मैंने इसमें क्या है, इसमें इस सेलअप वाली गाड़ी नहीं ली मैंने, ये बिना सेलअप की लिया, अगर आप गाड़ी लेते तो बिना सेलअप की ही गाड़ी लीजिए, क्योंकि बिना सेलअप से एक बेनिफिट आपके पेमेंट भी बचेगा, यानी कि 10,000 रुपये के आसपास अंतर रहता है बिना सेलअप और सेलअप वाली में। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, सेलअप वाली गाड़ी में बैटरी भी आपकी जल्दी ख़राब होती है और सेलअप भी जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि दोस्तों गाड़ी क्या है, गाड़ी कोई सी भी किसी भी कंपनी की हो, अगर एक हाथ में गाड़ी चलती है ना तो गाड़ी अच्छी चलती है, अगर घर में 4 लोग 10 लोग चलाते हैं उस गाड़ी को तो वो अलग अलग तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो वो जल्दी गाड़ी नहीं चल पाती है। तो अगर दोस्तों मेरा कोई सजेशन लेगा, मुझसे कोई सजेशन लेगा तो मैं उसको यही प्रेफर करूँगा, आप प्लेटिना लीजिए, क्योंकि 60-65-70 की रेंज में ये सबसे बढ़िया गाड़ी है। अगर आप HF डीलक्स पे जा सकते हैं या स्प्लेंडर पे जा सकते हैं या प्लेटिना, तीन आपके पास हैं इस रेंज में, तो आपको मैं सबसे बढ़िया प्लेटिना ही बताऊँगा, क्योंकि प्लेटिना का माइलेज भी बढ़िया है और कंफर्ट भी है। फिर दोस्तों सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जो मन करे वो ले सकते हो आप, कोई भाई हीरो का फ़ैन होता है तो वो हीरो ही लेगा समझे, कोई होंडा का फ़ैन है तो होंडा लेगा, कोई किसी का फ़ैन है वो लेगा भाई। जो मेरा रिव्यू था, जो पर्सनली रिव्यू था वो मैंने आपको बता दिया, और मुझे इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा चलाने में मुझे अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है भाई इस गाड़ी को पकड़ने के बाद। तो अभी तक तो मेरे ये गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आगे होगी तो भाई जब गाड़ी चलेगी रोड पे तो प्रॉब्लम तो होगी, ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं भी हो। तो इसका रिव्यू मैंने 11 महीने अपने बाद दिया इस गाड़ी का, तो भाई 11 महीने यूज़ करने के बाद ही मैंने आपको बताया, कुछ लोग होते हैं जो YouTube पर बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, गाड़ी ले आए एक दिन भी क्या, एक घंटे एजेंसी से ले आते एक घंटे के लिए, तो उन्हें बस थोड़ी बहुत देखी चलाई पढ़ा लिखा बस आपको रिव्यू दे देते कि गाड़ी बहुत बढ़िया है, ये ऐसी है वैसी है, तमाम चीज़ें आपको बता देते। तो भाई आप ऐसी बातों का भरोसा मत करिए, क्योंकि उन्हें पेड वीडियो होती हैं, वो एजेंसी वाले या कंपनी वाले उन्हें पैसे देते तब वो उसकी गाड़ी का रिव्यू करते हैं,
तो भाई ये मेरी वीडियो कोई फ्री है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, ना मैंने किसी से पैसा लिया हुआ है। तो मैं आपको जेन्युइन रिव्यू बता रहा हूँ, जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा है वो अच्छा है, वो मैंने आपको पूरा पूरा बताया भी है। दोस्तों प्लेटिना में जो BS6 जो मॉडल आया है ना यार, ये मॉडल सबसे बेहतरीन मॉडल है प्लेटिना के लिए। जो इससे पहले BS4 था वो बिल्कुल ही बेकार था, मतलब लुक में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो। तो ये यार जो BS6 का मॉडल है और बहुत ही लाजवाब मॉडल है भाई, इसमें बहुत चेंजमेंट होके आया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो नीचे बताना कमेंट में, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते फिर किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।